अलीफ के लिए बोला जाता है, सालिका दूर के लिए बोला जाता है। अब लोग कहते हैं हजरत एक बात ये बताइए, आपने यही एक शेरा इस्तेमाल किया जिसको पलनी के इमाम अहमद रजा ने इस्तेमाल किया। अब ये से मराद ये है कि मेरे सरकार जलवा घर है, मेरे सरकार की तजल्ली मौजूद है, मेरे सरकार हाजिर और नाजिर है। अब एक बात बताओ मुसलमान, मेरे सरकार सात समंदर पार मदीना तैयबा में है, लेकिन सुनो मुसलमानों बदन है मदीना शरीफ में और तजल्ली सारी कायनात में है, जलवा करी सारी कायनात में है, तजल्ली सारी कायनात के अंदर है, बदन है मदीना शरीफ में और पूरी दुनिया में तजल्ली मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर रोशनी मौजूद है। हजरात आइए मैं आपको बताता चलूं, हजरात हाजिर किसे कहा जाता है और नाजिर किसे कहा जाता है, ये देखिए अल्लामा शामी फरमाते हैं, रद्दुल मुहतार है, जिल्द नंबर 100 है, सफा नंबर 307 है, उसमें आप फरमाते हैं अल हुजूर बिमान इल्म शायर व नज़्र बिमान रुया, यानी हाजिर होना जानने के माना में मशहूर है और नाजिर होना ये देखने के माना में मशहूर है, और हाजिर और नाजिर का लगवी माना है मौजूद, जानने वाला, शहर का रहने वाला, दूर और नजदीक की आवाजों को सुनने वाला, पूरी दुनिया में मदद के लिए जो पहुंच जाए उसी को हाजिर कहा जाता है, उसी को नाजिर कहा जाता है। और मेरे आका हुजूर है, और जो हुजूर होता है वो मुसलमानों से नहीं पूरी कायनात से दूर नहीं होता है, और जो दूर होता है वो कभी हुजूर नहीं होता है, वो कभी हुजूर नहीं होता है। मेरे नबी हाजिर भी है, मेरे नबी नाजिर भी है। अब आपको मैं बता दूं मुसलमानों, जब घर में दाखिल हो मोइया हो तो नबी को सलाम कर लो, रसूल आदम को सलाम कर लो, और इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फलयुसल्लिमु अला नबी, जब मस्जिद में दाखिल हो मोइया हो तो नबी को सलाम कर लो, रसूल आदम पर बरकतें भेज दो। हजरत को फरमाते हैं ये अन्ना रूहु अलैहि सलाम हाजर तुम फी बुयूत अहले इस्लाम, इसलिए कि मुस्तफा की रूह मुबारक हर मुसलमानों के घरों में मौजूद रहती है, हाजिर रहती है, नाजिर रहती है, इसलिए नबी को तुम सलाम कर लो। अगर कोई घर में नहीं है तो मेरे नबी की रूह मौजूद है, अगर मस्जिद में कोई नहीं है तो मेरे नबी की रूह मौजूद है। आइए आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरे मुर्शिदे बरहक सैयदी सरकार मौलाना हसमत अली खान, यही दादा की सरजमीन है, हुजूर मुहद्दिस आदम ने कदी था, हजरत आ जाइए आपको तकलीरों की जरूरत है, आप जैसे मरते मुजाहिद चाहिए, आप जैसे मरते आया चाहिए, आप जैसे आला हजरत के कछार का शेर चाहिए। सरकार चेहरे जैसे ये सुंदर तशरीफ ले जाते हैं, आपकी तकलीरें पुरतनवी होने लगी, एक देवबंदी खड़ा हो गया, कहा कि मौलाना एक बात बताओ। हजरत फरमाते पूछ क्या पूछना चाहता है, उसने कहा हजरत ये बताइए कि नबी हाजिर और नाजिर कैसे हैं। आपने इरशाद फरमाया कुरान की वो चमकती चमकती आयत करीमा आप पेश फरमाते हैं, अल नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब पर है। अब आप जानते नहीं है कि जान कहाँ है मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ। हजरत ये दिल है, दिल में कल्बे आरा है, कल्बे आरा में आना है, आना में नूरे ईमान है, नूरे ईमान में रूह है, इसीलिए रूह चली जाती है मगर ईमान सलामत रहता है, ईमान सलामत है, रूह जाती है तो जाने दो, मगर नूरे ईमान मौजूद है, मुस्तफा का जलवा मौजूद है, मोहब्बत रसूल मौजूद है, परवरदिगार आलम की खशियत मौजूद है, रूह जाती है तो जाने दो। या रसूल अल्लाह दर वक्त अजल सरदरी चौथे पे छुपा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में अदा हो। हजरत जान उसी के अंदर है, अब आपको मैं बताता हूँ, हजरत दिल के अंदर जान है लेकिन करंट की सप्लाई पूरे बदन में है। अगर हाथ पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी, पेशानी पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी, पेट पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी, पीठ पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी, पेट पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी, तलवा पकड़ता हो तो जान की जलवा गरी। दिल के अंदर नूरे ईमान मगर रूह है और पूरे बदन के अंदर जलवा गरी है, ऐसे नबी मदीना में है मगर सारी कायनात में जलवा गरी है, सारी कायनात में है। चलिए मैंने इतना मान लिया कि जहान बहुत मोमिन है, नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब पर है, चलिए मैंने मान लिया जहां मोमिन है वहां नबी की जलवा गरी है, और जहां सब काफिर हो वहां नबी की कैसे जलवा गरी है। हजरत अगर अभी शेरे बेशेले सुन्नत खामोश हो गए, बहुत से आदम बैठे थे, उस
पड़ी तो आपने तड़प करके फरमाया कि हुजूरे वाला इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब है, इसका भी जवाब है। तो खुद से आदम फरमाते हैं, अरे मौलाना जब जवाब है तो जवाब देने में देर क्यों करते हैं, जवाब देने में ताखीर क्यों करते हैं। लेकिन बात इसमें यह थी, जब कोई खास बात होती है तो मजमे को मुखातब कर लिया जाता है, अपनी तरफ तवज्जो कर ली जाती है, सारे लोग देखने लगे, देखो जवाब क्या देते हैं, देखो जवाब क्या देते हैं, पीलीभीत के मौलाना जवाब क्या देते हैं। लेकिन सरकार शेरे बेशेरे सुनना बहुत पुरमन से आपने जवाब दिया, आपने फरमाया देवबंदी तेरा सवाल क्या है। उसने कहा हजरत चलिए मान लिया, जहां मोमिन वहां नबी की जलवा गली, मगर जहां काफिर है वहां नबी की कैसे जलवा गली है। शेरे बेशेरे सुनना फरमाते हैं, अब बता दे पगला चाहे काफिर हो या मोमिन उसके कंधे पर कितने फरिश्ते होते हैं, वो बोला दो फरिश्ते होते हैं। सरकार शेरे बेशेरे सुनना फरमाते हैं, बताओ वो दोनों फरिश्ते मोमिन है कि काफिर है। उसने कहा मोमिन है, तो आपने फरमाया कि जब काफिर के कंधे पर दोनों फरिश्ते मोमिन है तो वहां भी नबी की जलवा गली है। जहां सब काफिर है वहां भी नबी की जलवा गली है, जहां सब मुर्दम है वहां नबी की जलवा गली है, जहां सब मुशरिक है वहां नबी की जलवा गली है, जहां मोमिन है वहां नबी की जलवा गली है। इससे साबित यह हो गया النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم, نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہے, نبی کی جلوہ گری پوری کائنات میں ہے, شہر شہر میں نبی کی جلوہ گری ہے۔ حضرات پتا چلا مسلمان ہو میرے نبی حاضر بھی ہے اور میرے نبی نازل نبی نازل بھی ہے۔ سرکار مفتی اعظم کی بات بتا دوں, یہ اعلی حضرت سرکار ہے مسلمان ہو, لیکن مفتی اعظم کو ذرا آپ